उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जल निगम संघर्ष समिति द्वारा जिलाधिकारी परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जल निगम के कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों का 4 माह का वेतन तथा सेवा मुक्त कर्मियों की पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया और दूसरी तरफ जल निगम के 2 भाग कर इसे 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि एक नगरी भाग और दूसरा ग्रामीण भाग है, जिसके अंतर्गत जहां पर ज्यादा काम है वहां पर स्टाफ नहीं है और जहां ज्यादा काम है नहीं है वहां पर स्टाफ ज्यादा रखा गया। आगे बताया गया कि वो ज्ञापन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर दिए जा रहे हैं तथा हमारी मांग है कि जल निगम कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन को दिलाया जाए तथा जल निगम का एकीकरण भी किया जाए। आईएनए के लिए जनपद बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम क्या है? मैं एसके सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी महासंघ। यहाँ पर किस समस्या को लेकर क्या है? आज हमारी समस्याएं जल निगम कर्मियों का 4 माह का वेतन पेंशन नहीं मिल रहा है। रिटायर्ड हो रहा है कर्मी, उसको समय से उसकी ड्यू जो है वो नहीं मिल रहे हैं और जल निगम का 2 भाग कर दिया गया है। एक 9/9/2021 को इस विभाग को 2 भागों में ग्रामीण और नगरी के रूप में विभाजित कर दिया गया। आज विडम्बना है हमारी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पुनर्समीक्षा के हेतु तो इसको संज्ञान में लाने के लिए आज ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है कि जो बंटवारा किया गया है जल निगम का, उसमें नगरी के जो काम हमारे भाग है वहाँ के नगरी में काम नहीं है, वहाँ स्टाफ हमारा बैठा हुआ है और जो दूसरा भाग ग्रामीण है उस ग्रामीण के पास काम इतना ये कि वो ज़्यादा है कि वहाँ स्टाफ नहीं पर्याप्त है। तो आज एक तरफ स्टाफ बैठा हुआ है, एक तरफ स्टाफ रिक्वायरमेंट है, ऐसी स्थितियों में इस पर समीक्षा होनी चाहिए और कम से कम जो जनहित के काम हैं वो कम से कम एक समय से पूर्ण हो, जनता को लाभ मिले। जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य जनता माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षा योजना है उसको समय से पूरा करने के लिए हम जल निगम कर्मी भी हम लोग इसमें लड़ाई थे कि कम से कम ये योजना समय से पूरी हो जाए। पूरी करने के लिए कम से कम ये जो लीक पिछले साल हुई है, बंटवारा 2 भागों में किया गया है, वो उचित नहीं हुआ है। यहाँ अधिकारियों से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? अब यहाँ के अधिकारी तो पूरा जल निगम का है, अधिकारी और कर्मचारी को द्वारा संघर्ष समिति का गठन किया गया है। इसमें डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से लेकर के चपरासी तक इसमें सम्मिलित है पूरे विभाग के लोग। सबसे बड़ी बात है कि वेतन पेंशन आज समय से नहीं मिल रहा, तमाम रिटायर हो रहे हैं वो कर्मियों को नहीं मिल रहा। जो हमारा 97 के बाद सेंटेज कम कर दिया गया, जब इनकम जो जिसके सेंटेज पर जल निगम सभी निगमों को सेंटेज पर आधारित व्यापी वेतन मिलता है उसी को पेंशन मिलती है और वो मूल रूप में जो हमारा 22% था वो 97 के मई से कर दिया गया 12.5%। ऐसी स्थिति में जब इनकम ही कम होगी तब कैसे हम लोगों को पूरे निपटा पाएंगे? थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर जी पी शैलेंद्र। किस समस्या को लेकर यहाँ जिलाधिकारी? जल निगम में जो समस्या है कि एक जल निगम का जो बंटवारा पिछले साल हुआ था 9 सितंबर को, उसको हम चाहते कि उसका एकीकरण हो जाए, क्योंकि उसके 2 भागों में बंटने के बजाय भी कोई भी अभी तक उसका कोई अच्छा वो नहीं हुआ। उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य बनाया गया था लेकिन वो सुदृढ़ करने के बजाय वो बस से बदतर हो गया। तो हम चाहते कि दोनों दो टुकड़े हुए हैं उसके, उसका एकीकरण हो। दूसरा जो है कर्मचारियों का पेंशनरों का वेतन पेंशन जो समय से मिले। तीसरा जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका जो देय है सेवानिवृत्त के बाद जो देयक है उनका पूरा जो है मिले। छठा वेतनमान का एरिया हमारा पूरा मिलना चाहिए और सप्तम वेतनमान लागू होना चाहिए। अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने हमें हम अच्छे कोई डिस्कशन ही शासन स्तर पे नहीं हो रहा है। इस मिशन में सभी लोग पूरा अधिकारी कर्मचारी सारे सम्मिलित हैं, सबका एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है। आप यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, किससे मिले हैं? जिलाधिकारी के माध्यम से जो है ये जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पेश कर रहे हैं। थैंक यू।